बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5वां, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन 9m, 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू धन आर, ठीक है। a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, q बराबर है भागफल, q बराबर है भागफल और r बराबर है शेषफल, ठीक है। तो ये हमें पता है और यहाँ पर बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना होता है। तो कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न नंबर 4 में करा था, यदि आपने वो करा होगा तो आपको पता ही है कि उसमें हमने माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर बी क्यू धन आर है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक x है, मतलब a बराबर है x, तो हम a के स्थान पर x लिख देंगे और b बराबर 3, जो कि हमने पिछले सवाल में भी माना था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके लिए हमें 3 चाहिएगा। तो हमने दूसरे धनात्मक पूर्णांक के रूप में 3 मान लिया है और a जो है x के बराबर मान लिया है, जो कि कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम इस सवाल को करेंगे, तो x बराबर, a के स्थान पर हमने x लिख दिया है, x बराबर 3 क्यू धन आर। ये हमने पिछले सवाल में भी यही फार्मूला निकाला था और इसी के आधार पर हमने सवाल भी करा। यदि आपने पिछला सवाल देखा होगा तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, उसी विधि से करना है हमें। बस यहाँ पर पिछले सवाल में हमने वर्ग करा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करा था और इस सवाल में हमें घन करना है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, यदि आर बराबर जीरो हो तो, यदि r का मान 0 होगा, यदि r का मान 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 3q, तो x बराबर 3q हो जाएगा क्योंकि r तो 0 है। अब दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, घन मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3, ठीक है, किसी भी संख्या की घात 3 लगाना। तो यहाँ पे हमने इसका घन कर दिया, x का घन मतलब x की घात 3, ठीक है। उसी प्रकार 3q का घन मतलब 3q की घात 3, तो दोनों ओर का घन कर दिया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की घात 3 बराबर 3q की घात 3, मतलब 3 की घात भी 3 है और q की घात भी 3 है। तो 3 की घात 3 मतलब हो जाएगा, 3 की घात मतलब 3 गुणा 3, ठीक है। ये 3 की घात मतलब 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का गुणा 3 बार है, 3 × 9, 9 × 27 होते हैं, या तो हम लिख देंगे 27 और q की घात 3 वैसा ही लिख देंगे। तो इस प्रकार ही हो गया 27 q की घात 3। अब x की घात 3 बराबर, तो यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है कि 9m प्रूव करना है, ठीक है, 9m के बराबर होता है, ये प्रूव करना था हमें शुरू में। तो इसके लिए हम करेंगे कि क्या इसमें से 9 अलग कर सकते हैं 27 में से, तो हाँ कर सकते हैं। 27 को किस प्रकार से लिखा जाता है, 9 × 3, 9 × 27 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 3 क्यू की घात 3, ठीक है। अब x की घात 3 बराबर, 9 को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, 3 क्यू की घात 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 9 × 27 वापस हो जाएगा यदि गुणा करेंगे। तो इस प्रकार x की घात 3 बराबर 9 और 3 क्यू की घात 3 को हम m के बराबर मान लेंगे कि कोई सा पूर्णांक है जिसे 3 क्यू की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 क्यू की घात 3 बराबर m लिख दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 क्यू की घात 3 बराबर m, हमने ऐसा मान लिया है। तो x की घात 3 बराबर 9 m के बराबर हो गया। यही हमें बताना था कि x की घात 3 बराबर 9 m के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूव करा कि r बराबर 0 हो तो, इस तरह से करा। अब हम अगला करेंगे कि r बराबर
एक रख के देखेंगे, ठीक है। आर बराबर एक होगा तो क्या होगा? अब हमारे पास जो सूत्र था एक्स बराबर तीन क्यू धन आर, यहां पर हम कहेंगे यदि यदि आर बराबर एक हो तो, ठीक है, यदि आर बराबर एक हो तो। इसके पहले हमने आर बराबर जीरो हो तो करके देखा था, अब यदि आर बराबर एक हो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर तीन क्यू धन एक, ठीक है। अब दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, दोनों तरफ का यदि घन करेंगे मतलब घात तीन दोनों तरफ लगा देंगे, तो दोनों ओर का घन करने पर एक्स की घात तीन, ठीक है, एक्स की घात तीन बराबर तीन क्यू धन एक की घात तीन, ठीक है, तीन क्यू धन एक की घात तीन हो गया है। अब यहाँ पे जो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तीन क्यू धन एक की घात तीन बराबर हो जाएगा ए धन बी की घात तीन, ये वाला सूत्र लगा के इसको हल करेंगे हम। इस जो कोष्टक है घात तीन वाले, इसे हम इस सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं क्योंकि यह इसी रूप में है। यहाँ पर a बराबर है तीन क्यू, b बराबर है एक, ठीक है। तो a धन b की घात तीन का जो फॉर्मूला होता है उसका जो हल होता है a की घात तीन धन b की घात तीन धन तीन ए बी, और फिर कोष्टक में आएगा a धन बी, ठीक है। तो यह सूत्र हमें याद होना चाहिए, ए धन बी की घात दो का सूत्र भी याद होना चाहिए और ए धन बी की घात तीन का सूत्र भी याद होगा हमें, तो ही हम एग्जाम में इसको लिख पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो ए धन बी की घात तीन बराबर होता है ए की घात तीन धन बी की घात तीन धन तीन ए बी कोष्टक में ए धन बी, तो इसको यहाँ पर लागू कर देंगे। तो एक्स की घात तीन बराबर, तो यहाँ पे ए बराबर है तीन क्यू, ठीक है, ए बराबर है तो तीन क्यू, तो तीन क्यू की घात तीन धन बी की घात तीन मतलब एक है, एक की घात तीन धन तीन ए बी मतलब ए और बी के बीच में गुणा है, इन तीनों के बीच में गुणा का निशान है, तो ए के स्थान पर लिखेंगे हम तीन क्यू, ठीक है, फिर गुणा बी के स्थान पर एक, और कोष्टक में आ जाएगा ए धन बी मतलब तीन क्यू धन एक, ठीक है। तो यह हमने पूरी तरह से लिख दिया है, अब इसको हल करेंगे। एक्स की घात तीन बराबर तीन क्यू की घात तीन मतलब तीन की घात भी तीन है और क्यू की घात भी तीन है, तो तीन की घात तीन मतलब हो जाएगा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन त्यानो नोत्या सत्तावीस, ठीक है, सत्तावीस, और क्यू की घात तीन धन एक की घात तीन मतलब एक गुणा एक गुणा एक, एक का एक में तीन बार गुणा, तो यहाँ पे एक ही आएगा धन, ठीक है, तीन। अब तीन क्यू गुणा एक, तो तीन क्यू में एक का गुणा करेंगे तो तीन क्यू हो जाएगा, ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा कर दिया ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, वैसे आसानी से पूरा भी कर सकते थे। और फिर कोष्टक में है तीन क्यू धन एक, उसे इसी तरह से लिख दिया, हम अगली स्टेप में इसको हल करेंगे। अब अगला हो जाएगा एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन एक धन, अब तीन का तीन में गुणा करा तो तीन तिया नौ क्यू हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा तीन क्यू धन एक, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, तो एक्स की घात तीन बराबर हो जाएगा एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन एक धन, अब नौ क्यू का यहाँ पे इस कोष्टक वाली संख्या दोनों संख्याओं में अलग अलग गुणा होगा, नौ क्यू का पहले तीन क्यू से गुणा होगा तो नौतिया सत्तावीस, और क्यू और ये क्यू होके क्यू का क्यू में गुणा होगा, क्यू की घात दो हो जाएगी धन, फिर नो क्यू का एक में गुणा होगा तो नो क्यू ही आएगा, ठीक है। तो अब इन संख्याओं को हम थोड़ा क्रम से जमा लेंगे, इसके घात के क्रम में जमा लेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन, ठीक है, क्यू की घात तीन के बाद घात दो ले लेते हैं, सत्तावीस क्यू की घात दो धन, फिर ये नो क्यू आ जाएगा धन एक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से हम किस संख्या को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो एक्स की घात तीन बराबर, ठीक है, यहाँ पे सत्तावीस है, ये सत्तावीस है और ये नौ है, इन तीनों संख्याओं में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम यहाँ से नौ को ले सकते हैं, ठीक है, नौ को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सत्तावीस बराबर होगा नौ गुणा तीन, तो यहाँ से भी नौ आ जाएगा, नौ गुणा तीन सत्तावीस हो जाएगा और ये नौ तो है ही सही, तो हम नौ को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच्चे का नौ कॉमन ले लिया, बच्चा तीन, तो तीन क्यू की घात तीन धन, यहाँ से भी नौ कॉमन ले लिया तो बच्चा तीन, तो तीन क्यू की घात दो धन, यहाँ से
9 को ले लिया तो बचा q और ये हो गया धन 1। ठीक है, यदि हम 3q^3 + 3q^2 धन q इस पूरी संख्या को m के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x^3 = 9m + 1, जहां पर 3q^3 + 3q^2 = q बराबर है m के। ठीक है, हमने इनको m के बराबर मान लिया तो यहाँ पे बन जाएगा x^3 = 9m + 1, जो कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना था कि किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 के बराबर होता है। तो हमने 9m पहले ही सिद्ध कर दिया था जब हमने r बराबर 0 रख के मान निकाला था, अब यहाँ हमने r बराबर 1 रख के मान निकाला तो हमारा ये दूसरा उत्तर भी आ गया। अब हम r बराबर 2 रख के मान निकालेंगे, हमारे पास जो सूत्र था x = 3q^r। ठीक है, यदि r बराबर 2 हो तो अब यहाँ हम r का मान 2 रख के देखेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3q^2। अब दोनों ओर का घन करने पर दोनों तरफ की संख्याओं का घन कर देंगे। अब हम दोनों ओर का घन करने पर, क्योंकि हमें सवाल में ही कहा गया है कि घन करने पर, तो घन करने पर क्या होगा, x^3। ठीक है, x^3 = 3q^2 / 3 हो जाएगी। अब a^b^3 यह वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा क्योंकि 3q^2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a^b^3 वाला फॉर्मूला। तो इसका जो विस्तृत होगा वो होता है a^3 / b^3 / 3ab और कोष्टक में आ जाएगा a^b। ठीक है, a^b, तो इस रूप में इसको हम लिख देंगे। अब तो x^3 = यहाँ पे a क्या है, 3q a के बराबर है और b है 2 के बराबर। ठीक है, 2 जो है b के बराबर है, तो a^3 = 3q^3। ठीक है, धन b^3 = 2^3 / 3 a है 3q, ठीक है, और b है 2। ठीक है, और फिर कोष्टक में आ जाएगा a^b = 3q^2। तो इसको हमने विस्तृत रूप में मान रख के कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x^3, ठीक है, x^3 = 3q^3 है, तो 3^3 है और 3q^3 है, तो 3 × 3 × 3 = 3 × 3 × 3 × 3 = 3 × 3 = 3 × 3 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×
यही आ जाएगा धन। दो की घात तीन मतलब दो गुणा दो गुणा दो, दो का दो में तीन बार गुणा है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ आ जाएगा यहाँ पर धन। पहले कोष्टक वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो तीन ऐसे ही लिख दिया, तीन का दो में गुणा करा तो तीन दुना छः क्यू हो गए ये, ठीक है, छः क्यू हो गए। अब यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे तीन क्यू धन दो, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन आठ धन तीन का छः में गुणा करो तो तीन छंग अट्ठारह क्यू हो गए, अट्ठारह क्यू। और यहाँ कोष्टक में तीन क्यू धन दो, अब इस अट्ठारह क्यू का यहाँ गुणा होगा तभी पूरा सॉल्व होगा। तो हम अगली स्टेप में करते हैं, एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन आठ धन अट्ठारह का तीन में गुणा करेंगे, अट्ठारह क्यू का तीन में गुणा करेंगे तो अठारह दुना छत्तीस, अठारह तिया चौपन हो जाएंगे चौपन, और क्यू का क्यू में गुणा होने से क्यू की घात दो हो जाएगी धन। फिर अट्ठारह क्यू का दो में गुणा करेंगे तो अठारह दुना छत्तीस क्यू हो जाएंगे, ये हो गए छत्तीस क्यू, पूरा सॉल्व हो गया। इसको हम घात के क्रम में जमा लेंगे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। तो एक्स की घात तीन बराबर सत्तावीस क्यू की घात तीन धन, अब आ जाएगी घात दो वाला चौपन क्यू की घात दो धन, फिर क्यू वाला छत्तीस क्यू धन आठ, ठीक है। अब हम क्या इन तीन संख्याओं में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो हाँ हम ले सकते हैं, हम नौ को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सत्तावीस मतलब हो जाएगा नौ तिया सत्तावीस, चौपन हो जाएगा नौ छंग चौपन और नौ तिया छत्तीस, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स की घात तीन बराबर नौ को कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने, तो क्या बच्चा यहाँ पे नौ कॉमन बच्चा ले लिया तो बच्चा तीन, तीन क्यू की घात तीन धन, यहाँ से नौ ले लिया तो बच्चा छः क्यू की घात दो धन, यहाँ से नौ ले लिया तो बच्चा तीन क्यू, ठीक है, धन आठ है ही सही।
अब यदि इतनी पूरी संख्या जो है इसको कोई पूर्णांक मानकर हम इसको m के बराबर मान लेते हैं, यदि हम इसको m के बराबर मान लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, x की घात 3 बराबर 9m धन 8, जहाँ पे m बराबर है 3 क्यू की घात 3 धन 6 क्यू की घात 2 धन 3 क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख दिया। अब हमारा ये प्रूव हो गया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था कि x की घात 3 मतलब किसी पूर्णांक का घन 9m धन 8 के बराबर होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार ये तीनों प्रारूप तीनों तरह से हमने कर लिया है जो कि हमसे पूछा था। पहले हमने r बराबर 0 रख के करा, फिर r बराबर 1 रख के करा और r बराबर 2 रख के करा। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया है कि उत्तर लिख देंगे, हम उत्तर भी लिख देंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने चौथा सवाल भी ऐसा ही था और ये पांचवा सवाल भी इसी तरह का है, पूरा हो चुका है।